नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह और आप देख रहे हैं विशेष। एलएसी पर तनाव को लेकर भारत और चीन के बीच लगातार बातचीत चल रही है, लेकिन उस बातचीत के बावजूद युद्ध जैसी स्थिति भी बनी हुई है। दरअसल चीन वहां पर लगातार अपने सैनिकों की तैनाती बढ़ाता जा रहा है और भारत बिल्कुल ऐसा नहीं चाहता कि वो चीन के बहकावे में आए। इसीलिए लद्दाख से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक वो पूरी सीमा जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल चीन से लगी हुई है, वहां पर भारत अपनी तैनाती को पूरी तरीके से दुरुस्त रखे हुए हैं। चीन के साथ बेहद सख्त बातचीत के बीच भारतीय सेना पूरी तैयारी के साथ नियंत्रण रेखा की तरफ कूच कर रही है। लद्दाख से लेकर उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश तक चीन को बराबरी की टक्कर देने के लिए सेना की तैनाती बढ़ती जा रही है। दरअसल ये तैयारी चीन की नियत में खोट की आशंका को देखते हुए की जा रही है। खुफिया जानकारी के मुताबिक भारतीय सीमा के उस पार लद्दाख से लेकर उत्तराखंड और सिक्किम तक चीन अपने इलाके में सैनिकों को इकट्ठा कर रहा है। उसकी मंशा क्या है ये वही जाने, लेकिन भारतीय सेना अपनी तैयारी बढ़ा रही है। जिस अंदाज से चीनी सेना ने लद्दाख में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर अपनी सैनिकों की तैदाद बढ़ाई है, उसकी बराबरी करने के लिए भारतीय सेना अभी भी अपनी फौजी तैनाती में जो है बढ़ोतरी कर रहे हैं। भारत और चीन के बीच बुधवार से मेजर जनरल स्तर की बातचीत चल रही है। बुधवार को करीब 4.5 घंटे तक बातचीत हुई। भारतीय पक्ष ने दबाव बनाया कि चीन पहले की स्थिति में लौट जाए, यही नहीं तुरंत अपने हजारों सैनिकों को वापस बुला ले। लेकिन 3 पॉइंट ऐसे हैं जिन्हें लेकर दोनों पक्षों के बीच जबरदस्त तकरार है। यह है पेंगोंग त्सो, दौलत बेग ओल्डी और डेम चौक। भारत और चीन के सैनिकों के बीच पेंगोंग त्सो इलाके में 5 मई को जबरदस्त झड़प हुई थी। यहाँ भारत फिंगर 8 तक अपना इलाका मानता है और सेना वहां तक पेट्रोलिंग किया करती थी, लेकिन चीन की सेना फिंगर 4 पर आकर बैठ गई और उसने भारतीय सेना की पेट्रोलिंग को भी रोक दिया। यहाँ चीन को भारत की ओर से सड़क बनाने पर मिर्ची लग गई थी। उसने दरबुक, शियोक, दौलत बेग ओल्डी को जोड़ने वाली एक और सड़क बनाने पर भी टांग अड़ा दी थी। भले ही फिलहाल भारतीय सेना चीनी सेना के साथ बातचीत की टेबल पर बैठी हो, लेकिन जमीन पर भारतीय सेना के पैर पूरी तरह से जमे हुए हैं, क्योंकि जिस तरह से चीन ने लद्दाख में हरकत की है उससे चीन पर ज्यादा भरोसा नहीं किया जा सकता। और इसीलिए न सिर्फ लद्दाख बल्कि हिमाचल, उत्तराखंड और सिक्किम से लेकर अरुणाचल तक भारतीय सेना ने अपनी मजबूत तैनाती की है। लेकिन कुछ इलाकों को लेकर बनी तनातनी और चीन की तरफ से लगातार सैनिकों का जमावड़ा बढ़ाए जाने के बाद भारत ने भी तैयारी तेज कर दी है। लद्दाख में मौजूद 3 इन्फेंट्री डिवीजन के अलावा 2 और ब्रिगेड भेजी गई है। ये वो ब्रिगेड है जो हर साल ऊंचे पहाड़ों पर युद्धाभ्यास के लिए जाती है। उधर हिमाचल प्रदेश में चीन की सीमा पर अतिरिक्त सैनिकों को तैनात किया गया है। हाल ही में वेस्टर्न आर्मी कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल आरपी सिंह ने हालात की जानकारी लेने के लिए फॉरवर्ड पोजीशन का दौरा भी किया था। उत्तराखंड में सैनिकों की तैनाती बढ़ाई गई है। गढ़वाल और कुमाऊं सेक्टर में सरहद पर सैनिकों की संख्या पहले से कहीं ज्यादा हो गई है। यही नहीं, भारतीय वायुसेना ने भी उत्तराखंड के सरहदी इलाके तक जरूरी साजो सामान पहुँचाने के लिए चीनिया लीसौर के एडवांस लैंडिंग ग्राउंड को सक्रिय कर दिया है। बुधवार को AN-32 मालवाहक विमान की यहां सफल लैंडिंग हुई। एयरफोर्स स्टेशन आगरा से यहां विमानों को उतारने का अभ्यास लगातार जारी है। चीन बार बार LAC के ऊपर कोई ना कोई ट्रांसग्रेशन करने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार चीन ने कुछ अपने नॉर्मल कार्रवाई से अधिक किया है। दरअसल चीन की सेना उत्तराखंड के बारा होती के उस पार लगातार अपने हेलीकॉप्टर भेज रही है। गढ़वाल सेक्टर के आखिरी शहर के उस पार 30 किलोमीटर दूर चीन ने एक बड़ा मिलिट्री बेस बना रखा है। उधर सिक्किम में भी चीन नाथुला में दबाव बनाता दिख रहा है। ऐसे में वहां भी अतिरिक्त ब्रिगेड भेजी जा रही है। अरुणाचल प्रदेश में माउंटेन स्ट्राइक ब्रिगेड ने पहले ही मोर्चा संभाल रखा है। सूत्रों की माने तो पूरी नियंत्रण रेखा पर तैनाती 4 मई के बाद से ही बढ़ा दी गई थी, जब चीन के सैनिक सिक्किम और पूर्वी लद्दाख में करीब आने लगे। ये चीन के वो सैनिक थे जो झिंजियांग में युद्धाभ्यास कर रहे थे। यानी चीन ने युद्धाभ्यास के बहाने सैनिकों की तादाद बढ़ाई और फिर भारत से भिड़ गया। दिल्ली में मंजीत नेगी के साथ अशरफ वानी, श्रीनगर आज तक।
चीन के विदेश मंत्रालय की तरफ से बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं, वो ये कि दोनों देशों के जो अगुआ हैं उनके नेतृत्व में ये मामला सुलझेगा, बातचीत चल रही है, सब शांति चाहते हैं। लेकिन इस सब के बीच जो वहां का जो सरकारी अखबार है, जो ग्लोबल टाइम्स है, वो ऐसी खबरें छापता है जो चीन की मंशा को साफ जाहिर कर देते हैं। अब उसने एक ताजा रिपोर्ट छापी है जिसके जरिए उसने बताया है कि चीन ने वो हाउइट्जर बंदूकें जो कि गाड़ी पर माउंट की जा सकती हैं वो हासिल कर ली हैं, और इससे किस तरीके से चीन की ताकत बढ़ रही है और सीमा पर भारत को चिंता करनी चाहिए। अब ये वही ग्लोबल टाइम्स है जिसने कुछ दिनों पहले ही चीन के सैन्य अभ्यास का वीडियो जारी किया था। लद्दाख में भारत से तनातनी के बीच चीन ने अपने माइंड गेम के तहत दूसरा पैतरा दिखाया है। पहला पैतरा वो था जब उसने हुबेई से पूर्वी लद्दाख के उस पार तिब्बत के पठार तक युद्धाभ्यास का वीडियो जारी किया था। इस बार उसने अत्याधुनिक तोपों की गिदड़ भभकी दी है। इस बार भी माहौल बनाने के लिए चीन ने अपने सरकारी मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स को आगे किया है। ग्लोबल टाइम्स का दावा है कि चीन की सेना पीएलए ने भारत के साथ तनाव को देखते हुए अपने सबसे आधुनिक तोप पीसीएल 181 को लद्दाख सीमा पर तैनात किया है। ग्लोबल टाइम्स का दावा है कि इस तोप को कुछ दिनों पहले ही सेना में शामिल किया गया था। चीनी अखबार के मुताबिक पीएलए की 75वीं ग्रुप आर्मी के तहत आने वाली ब्रिगेड ने हाल ही में दक्षिणी सीमा पर आयोजित समारोह में कई हथियारों को शामिल किया। अखबार का कहना है कि ट्रक पर सवार ये तोप 155 एमएम की है और इसे पहली बार 1 अक्टूबर 2019 को नेशनल डे पर सेना की परेड में शामिल किया गया था। ग्लोबल टाइम्स का दावा है कि तोप बेहद हल्की है और इसका वजन केवल 25 टन है। इससे ये ऑटोमेटिक होविट्जर तोप बड़ी आसानी से कहीं भी ले जाई जा सकती है। इससे पहले इस तरह की तोपों का वजन 40 टन होता था। कम वजन की वजह से ऊंचाई वाले इलाकों में बढ़त दिला सकती है जहां ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है। ऑक्सीजन कम होने से इंजन की क्षमता पर असर पड़ता है। धमकी देने के क्रम में ग्लोबल टाइम्स ने यह भी दावा किया कि साल 2017 में डोकलाम विवाद के दौरान भी पीसीएल 181 को तैनात किया गया था। इससे सीमा पर शांति बहाल करने में आसानी हुई थी। अखबार ने ताजा विवाद का जिक्र करते हुए कहा कि अब फिर से तनातनी बढ़ गई है। ग्लोबल टाइम्स का इशारा समझा जा सकता है, लेकिन चीन को याद नहीं कि 73 दिनों तक डोकलाम में तनातनी के बाद चीन को पीछे हटना पड़ा था। यही नहीं, भारत ने अपने तोप पहले ही चीन पर निशाना साधने के लिए लगा रखे हैं। गीता मोहन के साथ मंजीत नेगी, दिल्ली आज तक। चीन युद्ध युद्ध की रट लगाता है पर युद्ध लड़ता नहीं। कभी आपने सोचा है क्यों? दरअसल इसकी बहुत बड़ी वजह है, चीन जानता है कि जमीन पर आज की तारीख में भारतीय सेना उसकी सेना से ज्यादा मजबूत है। ये बात हम कोई हवा में नहीं कह रहे हैं। अव्वल तो चीन के पास युद्ध का अनुभव नहीं है, दूसरा माउंटेन्स में यानी पहाड़ी इलाकों में लड़ने की जो काबिलियत भारतीय सेना के पास है वो उसके पास नहीं है, और आंकड़े भी यही कहते हैं कि युद्ध की सूरत में चीन को ही पछताना पड़ेगा। भारत की असली ताकत के मुकाबले चीन पैतरे बाजी पर उतर आया है, लेकिन माहौल बनाने और जमीन पर लड़ने में काफी फर्क होता है। भारतीय सेना के जवान लगातार ऊंचे पहाड़ों पर तैनात रहते हैं और करगिल जैसे बेहद मुश्किल युद्ध में भी जीत दर्ज कर चुके हैं। वहीं चीन की सेना आखिरी बार 1979 में युद्ध के मैदान में उतरी थी। उस समय भी वियतनाम की जंगबाज सेना ने उसे धूल चटा दिया था। ऐसे में भारत से भिड़ना चीन के लिए कितना भारी पड़ने वाला है, इसका आकलन जानकारों ने आंकड़ों के साथ किया है। सबसे पहले देखते हैं कि भारत और चीन के कितने सैनिक इस वक्त जमीन पर आमने सामने हैं। जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल में सेना के उत्तरी कमान के 34,000 सैनिक तैनात हैं। उत्तराखंड में सेंट्रल कमांड के 15,500 सैनिक तैनात हैं। वहीं सिक्किम, अरुणाचल, असम, नागालैंड और बंगाल में ईस्टर्न कमांड के 1,75,500 सैनिक तैनात हैं। इस तरह सैनिकों की कुल संख्या
2,25,000 हो जाती है। अगर इसका मुकाबला चीन से करें तो चीन के तिब्बत मिलिट्री क्षेत्र में 40,000 सैनिक तैनात हैं, शिनजियांग मिलिट्री क्षेत्र में 70,000 सैनिक तैनात हैं, वहीं वेस्टर्न थिएटर कमांड में 90,000 से 1,20,000 सैनिकों की तैनाती है। इस तरह चीन के सैनिकों की संख्या 2,04,000 से 2,35,000 के बीच हो सकती है। दोनों सेनाओं को आमने सामने रखें तो चीन के कुल सैनिक 2,04,000 से 2,35,000 के बीच हो सकते हैं और भारत के पास 2,25,000 सैनिकों की शक्ति है जो सिर्फ चीन से निपटने के लिए हर पल तैयार है। युद्ध की स्थिति में भारत के हक में सबसे बड़ी बात यह है कि चीन की सैन्य ताकत यहां वहां बिखरी हुई है। उसके लिए सैनिकों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना बेहद मुश्किल है। इस वक्त चीन ज्यादा से ज्यादा 2,00,000 सैनिकों को भारत के खिलाफ तैनात कर सकता है। दरअसल शिनजियांग और तिब्बत में चीन के खिलाफ विरोध जारी है और उससे निपटना भी उसके लिए भारी पड़ रहा है। वहीं चीन के खिलाफ भारत की सैन्य तैनाती सधी हुई है। यही नहीं, भारत ने अपने सैन्य ठिकाने अलग अलग भरे ही रखे हों, लेकिन सब मिलकर चीन में तबाही मचाने की ताकत रखते हैं। ये भी गौर करने वाली बात है कि भारत ने अपने सैनिकों को खास तौर पर उत्तरी और पूर्वी बॉर्डर पर चीन से मुकाबले के लिए तैनात कर रखा है। वायुसेना की तुलना करें तो भारत की पश्चिमी एयर कमांड के पास 75 फाइटर है और 34 ग्राउंड अटैक एयरक्राफ्ट। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे कि चीन की दादागिरी पर ताइवान के विदेश मंत्री ने क्या कहा। देखते रहिए आज तक। चीन अब तक छोटे देशों को धमकाता रहा, बहकाता रहा, अपनी धौंस दिखाता रहा, लेकिन अब सारे देश खुलकर बोल रहे हैं। ताइवान उनमें से ही एक है। ताइवान की तरफ से यह कहा गया है कि चीन की ऐसी ही फितरत रही है हमेशा कि वो दूसरे देशों की जमीन हड़पना चाहता है, और साथ में यह भी कहा कि आज की तारीख में दुनिया में दो खेमे हैं, जिसमें एक तरफ है चीन जैसा देश जिसके लिए विचार मायने नहीं रखते, और दूसरी तरफ है भारत जैसा लोकतांत्रिक देश। पूर्वी लद्दाख में भारत से भिड़ने वाला चीन ताइवान और दक्षिण चीन सागर पर अपने दावे को लेकर खुलकर धमकी दे रहा है। चीन ताइवान को स्वतंत्र मानने से इनकार करता है और उसकी आजादी छीनने के लिए सैन्य कार्रवाई की धमकी देता रहता है। ताइवान के विदेश मंत्री जोसेफ वू ने कहा कि चीन से उसके तमाम पड़ोसी परेशान हैं। You know, Taiwan is not the only country that is suffering from the Chinese pressure. If you look at India, it has a border conflict with China right now. And if you look at East China Sea, Japan and China are escalating their dispute over the disputed territory over the East China Sea. ताइवान को अमेरिका का समर्थन प्राप्त है। वहीं भारत से बीजेपी के दो सांसद नई राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए थे। गीता मोहन, दिल्ली आज तक। विशेष में आज के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओमकश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।